नमस्कार दोस्तों, एवी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या एक, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केसकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? आपके विकल्प हैं ए 24, बी 12, सी 40, डी 38। इसका आंसर होगा बी 12। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केसकाल घाटी में 12 मोड़ हैं। प्रश्न संख्या दो, बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल किस शैली में बनाया गया है? आपके विकल्प हैं ए चालुक्य शैली, बी द्रविड़ शैली, सी नागर शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए चालुक्य शैली। बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल चालुक्य शैली में बनाया गया है। प्रश्न संख्या तीन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदान किस जिले में है? आपके विकल्प हैं ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी कोरबा, डी कोरिया। इसका आंसर होगा सी कोरबा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदान कोरबा जिले में स्थित हैं। प्रश्न संख्या चार, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मिनी माता जलाशय बांगोबान, बी गंगरेल बांध, सी कोडार बांध, डी पैरी बांध। इसका आंसर होगा ए मिनी माता जलाशय बांगो बांध। छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र मिनी माता जलाशय बांगो बांध है। प्रश्न संख्या पांच, केंद्रीय जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए कोरबा, बी रायगढ़, बी कांकेर, सी रायगढ़, डी महासमुंद। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए कोरबा। केंद्रीय जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या छह, बगीचा हिल स्टेशन किस जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? आपके विकल्प हैं ए सरगुजा, बी कोरिया, सी रायगढ़, डी जसपुर। इसका आंसर होगा डी जसपुर। बगीचा हिल स्टेशन जसपुर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रश्न संख्या सात, प्रसिद्ध लुत्रा शरीफ दरगाह किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए रायपुर, बी रायगढ़, सी बिलासपुर, डी कवर्धा। इसका आंसर होगा सी बिलासपुर। प्रसिद्ध लुत्रा शरीफ दरगाह बिलासपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या आठ, किस अंग्रेज अधिकारी ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी? आपके विकल्प हैं
ए कैप्टन एगन्यू, बी कैप्टन एडमंड, सी मिस्टर थॉमस, डी कर्नल आर्कट। इसका आंसर होगा ए कैप्टन एगन्यू। कैप्टन एगन्यू ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी। प्रश्न संख्या 9। रायपुर स्थित नंदनवन किस नदी के किनारे बसा है? आपके विकल्प हैं ए शिवनाथ नदी, बी खारून नदी, सी महानदी, डी पैरी नदी। इसका आंसर होगा बी खारून नदी। रायपुर स्थित नंदनवन खारून नदी के किनारे बसा है। प्रश्न संख्या 10। राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल का निर्माण किस सन में विभिन्न राजाओं के सहयोग से बनाया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1840 में, बी 1850 में, सी 1887 में, डी 1884 में। इसका आंसर होगा सी 1887 में। 1887 में राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 11। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजकुमार कॉलेज किस सन में विभिन्न राजाओं के सहयोग से बनाया गया था? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजकुमार कॉलेज किस सन में विभिन्न राजाओं के सहयोग से बनाया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1890, बी 1894, सी 1830, डी 1909। इसका आंसर होगा बी 1894। 1894 में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजकुमार कॉलेज को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 12। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजकुमार कॉलेज किस सन तक सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी? आपके विकल्प हैं ए 1939, बी 1947, सी 1950, डी 1975। इसका आंसर होगा ए 1939। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजकुमार कॉलेज में सन 1939 में सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न संख्या 13। महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद उपाधि लेने की स्मृति में रायपुर में जय स्तंभ चौक के पास कैसर ए हिंद दरवाजा किस सन में बनवाया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1840 में, बी 1877 में, सी 1881 में, डी 1917 में। इसका आंसर होगा बी 1877 में। महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद उपाधि लेने की स्मृति में रायपुर में जय स्तंभ चौक के पास कैसर ए हिंद दरवाजा 1877 में बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 14। सन 1875 में स्थापित महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर देश में कौन से नंबर का पुराना संग्रहालय है? आपके विकल्प है ए 10, बी 12, सी 6, डी 18। इसका आंसर होगा सी 6। सन 1875 में स्थापित महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर देश में 6वें नंबर का पुराना संग्रहालय है। प्रश्न संख्या
15 रायपुर के किशन में सदाड़ी दरबार की स्थापना हुई थी। रायपुर में किस सन में सदाड़ी दरबार की स्थापना हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1970, बी 1988, सी 1974, डी 1981। इसका आंसर होगा बी 1988। रायपुर में सन 1988 में सदाड़ी दरबार की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 16। रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देवलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राजवंश के स्थापत्य कला का उदाहरण है? आपके विकल्प हैं ए कलचूरी राजवंश, बी सरपुरी राजवंश, सी पांडु राजवंश, डी सोम राजवंश। इसका आंसर होगा ए कलचूरी राजवंश। रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देवलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कलचूरी राजवंश के स्थापत्य कला का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मैत्री बाग, बी नंदनवन, सी कानन पिंडारी, डी सेल गार्डन। इसका आंसर होगा ए मैत्री बाग। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर मैत्री बाग है। प्रश्न संख्या 18। श्री वनसंघर पासर तीर्थ नगपुरा किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है? आपके विकल्प हैं ए महानदी, बी अरपा नदी, सी शिवनाथ नदी, डी खारून नदी। इसका आंसर होगा सी शिवनाथ नदी। श्री वनसंघर पासर तीर्थ नगपुरा श्रीनाथ नदी के पश्चिमी तट पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है। प्रश्न संख्या 19। बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? आपके विकल्प हैं ए राजा बालपुर, बी राजा बालासाह, सी राजा बालूदेव शाह, डी राजा बालवेंद्र सिंह। इसका आंसर होगा बी राजा बाला साह। प्रश्न संख्या 20। बालोद नगर के समीप कौन सी नदी बहती है? आपके विकल्प हैं ए तांदुला नदी, बी इब नदी, सी महानदी, डी बालू नदी। इसका आंसर होगा ए तांदुला नदी। बालोद नगर के समीप तांदुला नदी बहती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें एवी सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।